स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। आज मैं फिर से आप सभी के सामने हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ, नए अपडेट के साथ। स्टूडेंट क्वेश्चन किए हैं कि जो लोग का बैक पेपर लग गया है क्या उनको एग्जिट एग्जाम देना होगा, और जो लोग पास हो चुके हैं क्या उनका रजिस्ट्रेशन बिना एग्जिट एग्जाम का हो जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब मैं दूंगा। उससे पहले मैं बता दूँ कि एग्जिट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए मैंने तैयारी चालू करा दी है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक में दिए गए से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और रोजाना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आसानी से एग्जिट एग्जाम पास कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। जो स्टूडेंट ने पूछा कि जो लोग का बैक लग चुका है सर, उन लोग को एग्जिट एग्जाम देना होगा, और जो लोग पास हो चुके हैं ऑलरेडी उन लोग को एग्जिट एग्जाम नहीं देना होगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड क्यूरी से मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए पहले भी, और मैंने ये कहा था कि अगर जो लोग पास हो चुके हैं और उनका मार्कशीट अगर आ गया है कॉलेज में, तो आप कॉलेज से मार्कशीट लेकर के और आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेकर के आप अपने राज्य के फार्मेसी काउंसिल के वेबसाइट में जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन का। तो ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि आपका मार्कशीट आया है या नहीं। आप कॉलेज से संपर्क कीजिए और साथ ही साथ आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ये अगर आपके पास है तो आप अभी और अभी से लेकर के जब तक डेट नहीं आया है एग्जिट एग्जाम का, किस दिन एग्जाम होगा, तब तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और रही बात कि जिनका बैक लगा हुआ है और बैक पेपर का एग्जाम वो देंगे या फिर उनका स्क्रूटनी या रीचेक के लिए गया है उन लोग के लिए, तो उनका जो है अगर रिजल्ट जो है आ जाता है 3 महीने से पहले और मार्कशीट आ जाती है एग्जिट एग्जाम के डेट रिलीज होने से पहले, तो वो भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन आप सभी को मालूम है कि अभी तक 1,76,000 रीचेकिंग का और स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप हुआ है और आज से उसकी कॉपी की चेकिंग की शुरुआत होगी। तो इसके चेक करने में 1 महीने का समय लगेगा, 1 से 1.5 महीने का। फिर उसके बाद रिजल्ट को घोषित करने में आपके और 6 महीने यानी 2 महीने आज से लग जाएंगे। फिर मार्कशीट छपने में टाइम लग जाएगा। तो हो सकता है कि अगर उससे पहले डेट आ जाए एग्जिट एग्ज़ाम का तो आप लोग को ट्रबल हो जाएगी, इसीलिए तैयारी भी करते रहें, और अगर एग्जिट एग्ज़ाम का डेट नहीं आया तो अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लेंगे। दोनों आपके फेवर में है। तो बस रोजाना 3 क्वेश्चन थी प्रैक्टिस करने हैं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।